ओके हेलो सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट मैक्रो मॉलिक्यूल पे ही डिस्कशन लेने वाले हैं ठीक है थीके? तो देखो ना मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे क्या टॉपिक छूट गए पहले आप जस्ट इतना देखो मैक्रो मॉलिक्यूल का चल रहा है लेक्चर नंबर नाइन्थ और आज के इस नाइन्थ लेक्चर पे हमने काफी ईजी सा टॉपिक डिस्कस करना है मैं आपको बताती हूँ आज के लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक विस्कोमेट्री हमने क्या देखा बता देखो लास्ट लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर एट पे हमने क्या देखा था मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करता है तो जनरली जैसे आपके सिलेबस पे भी आपको तीन टाइप के मेथड दिए हुए हैं जिसमें पहला मेथड है आपका ऑस्मोमेट्री दूसरा मेथड है आपका विस्कोमेट्री और तीसरा मेथड है आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड ओके okay? तो इन तीनों मेथड में से हमने लास्ट लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर एट पे ऑस्मोमेट्री पे डिस्कशन ले लिया था आज हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे जो है विस्कोमेट्री और विस्कोमेट्री जो मेथड है ये आपकी ऑस्मोमेट्री से बहुत ज्यादा इजी है बहुत आसान आपका मेथड रहने वाला है विस्कोमेट्रिक ओके okay? तो सारा डिस्कशन लेंगे विस्कोमेट्री क्या रहती है कैसे ही किसी भी पॉलीमर का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहती है क्या थर्ड रहता है प्रोसीजर क्या रहता है सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पर कवर करनी है, ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को चलिए ठीक है तो देखिए ना होता क्या है मैं आपको सबसे पहले बात करा देती हूँ आखिर ये विस्कोमेट्री है क्या जैसे हमने ऑस्मोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी सिमिलरली विस्कोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये बोले विस्कोम और द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट मैथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर ओके ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी पॉलीमर का मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक विस्कोमेट्री तो ये विस्कोमेट्री टेक्निक क्या है बहुत ज्यादा

एम एन यानी एवरेज मोलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोमेट्री टेक्निक ओके लेकिन उसी के सिमिलर विस्कोमेट्री में आप नंबर एवरेज का डिटर्मिनेशन नहीं करते इसमें आप विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं विस्कोसिटी एवरेज को एम वी से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे यहाँ पर को एन किसके लिए स्टैंड कर रहा है नंबर के लिए स्टैंड कर रहा है तो ओवरऑल बन गया नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट देखो मॉलिकुलर वेट औरुलर वेट तो आपका एम हो गया लेकिन ये विस्कोसिटी एवरेज है तो बेस में हमने क्या लगाया वी लगाया तो इसे आप बोलते हैं विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट तो ये आपका विस्कोम जो टेक्निक है ये पर्टिकुलरली आपके विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन के लिए

मेट्री कौन सा मास का डिटर्मिनेशन करता है तो मैं एक बार ओवरऑल डेफिनेशन पढ़ लेती हूं ये बोल रहा है

आंसर है वही चीज बोल रहा है कि ये जो आपका विस्कोमेट्री टेक्निक है इसका यूज किया जाता है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन के लिए जो हमने ऊपर बोला वही चीज आपने नीचे बोलनी है कि विस्कोमेट्री टेक्निक इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इतनी चीज क्लियर आई अब अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है तो इट इज बेस्ड ऑन द ये बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन द विस्कोमेट्री जो टेक्निक है वो तो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है When a polymer is dissolved in a solvent, देर इज अ इंक्रीज इन एन अ डायमेंशन ऑफ अ पॉलीमर इसका मतलब क्या हुआ ये बोल रहा है ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर आप किसी भी पॉलीमर को किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप करते हैं और सॉल्वेंट आपका प्योर सॉल्वेंट ही होना चाहिए ठीक है प्योर सॉल्वेंट मतलब उसमें कोई वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए वो प्योरस्ट फॉर्म में होना चाहिए तो ये बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी पॉलीमर को किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर आप डिजोल्व करते हैं तो आपके पॉलीमर में आपको क्या देखने को मिलता है आपका ये जो पॉलीमर है इसके डायमेंशन में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है यानी कि पॉलीमर डायमेंशन क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है अब इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी बीच सुनिए उसके बाद ये रहा है देर फोर इसकी वजह से क्या होगा डायमेंशन इंक्रीज होने की वजह से क्या है आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका पॉलीमर सोल्यूशन है ना उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी कि को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से तो आपका जो पॉलीमर सॉल्यूशन बनेगी उसकी विस्कोसिटी आपकी हायर हो जाएगी कंपेयर टू अ प्योर सॉल्वेंट जो आपने लिया हुआ था इसका मतलब क्या है देखो ना मैं आपको सिंपल वे में पहले ऐसे समझाती हूँ देखिए सपोज कीजिए ना

मिलेगा डिसॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ये आपका वैसल है जिसमें पहले आपका ये सॉल्वेंट प्रेजेंट था अब इस सॉल्वेंट के साथ-साथ आपके पॉलीमर्स भी प्रेजेंट है ठीक है अब ये जो स्टेट आपको बना ये जो वैसल आपका बना इसे आप क्या बोलोगे ऑबवियस सी बात है इसे आप बोलोगे सॉल्यूशन क्यों क्योंकि इसमें आपका सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है सॉल्यूट भी प्रेजेंट है सॉल्यूट क्या है देखो सॉल्वेंट तो आपका वाटर है और ये जो आपकी पॉलीमर है ये यहाँ पर को एज अ सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको यहाँ ऐड किया तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है इतनी चीज क्लियर आई अब ये जो सॉल्यूशन बना है ना इस सोल्यूशन को आप क्या नाम देंगे पॉलीमर सॉल्यूशन जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं सोल्यूड की प्लेस में नमक ले लू एनएसएल ले लू या फिर सुगर ले लू तो हम बोलते हैं ये नमक का पानी बन गया या फिर चीनी का पानी बन गया सिमिलरली अगर हम पॉलीमर डालेंगे तो ये पॉलीमर का सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या है पॉलीमर का सॉल्यूशन इट इज आईना अब देखो मैं आपको वापस से अगर प्रिंसिपल पे लेके जाऊं तो प्रिंसिपल बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी पॉलीमर को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो पॉलीमर जैसे ही सॉल्वेंट में ऐड होगा उसका जो डायमेंशन है ना वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा देखो मैंने डायमेंशन थोड़ा इंक्रीज कर दिया हम बोल सकते हैं कि आपके पॉलीमर का डायमेंशन थोड़ा बढ़ गया ठीक है अब डायमेंशन बढ़ने की वजह से होगा क्या वो चीज आपकी मेन है तो जैसे आपके पॉलीमर का डायमेंशन बढ़ेगा जब वो सॉल्वेंट के साथ ऐड होगा तो इस डायमेंशन के इंक्रीमेंट की, की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा आपका जो ये पॉलीमर सॉल्यूशन है इसकी जो विस्कोसिटी है पहले बताते हैं विस्कोसिटी मतलब क्या होता है तो देखो ना विस्कोसिटी मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई लिक्विड है उसको वो अगर आपको थोड़ा सा थिक लगने लग गया थोड़ा स्टिकी लगने लगा सेमी फ्लूड की तरह अगर वो एक्ट कर रहा है इंटरनल फ्रैक्शन की वजह से इसे आप बोलते हैं विस्कोसिटी ठीक है तो ये हो गया आपको क्या हाँ, हाँ निकालनी है अगर आप विस्कोसिटी निकाल देंगे तो मॉलिकुलर मास खुद ब खुद निकल जाएगा जैसे ऑस्मोमेट्री टेक्निक से रिलेटेड थी सिमिलरली विस्कोमैट्री टेक्निक से रिलेटेड है ठीक है तो सारी बातें विस्कोसिटी से रिलेटेड करनी है तो ये बोल रहा है कि पॉलीमर का डायमेंशन इंक्रीज होने की वजह से ये पूरा जो सॉल्यूशन है पॉलीमर सॉल्यूशन इसकी विस्कोसिटी आपकी बढ़ गई और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी आपकी घट तो नहीं गई बट आपकी क्या होगी देखो सॉल्वेंट की कुछ विस्कोसिटी होगी लेकिन सॉल्वेंट में सॉल्यूट के ऐड होने की वजह से पॉलीमर के ऐड होने की वजह से पॉलीमर का डायमेंशन बढ़ा पॉलीमर के डायमेंशन की वजह से पूरे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला यानी कि अगर मैं विस्कोसिटी सिटी लिखू ये मेरी विस्कोसिटी है और अगर मैं इसके नीचे बेस में सॉल्वेंट लिखू तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी आपकी लेसर देन होगी किसके कंपेयर में विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन यही चीज आपको बोला गया प्रिंसिपल

क्यों? क्योंकि इस वाले स्टेट में जब ये सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में इसकी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट के साथ अब आपका सॉल्यूट भी ऐड हो गया है सॉल्यूट की एडिशन की वजह से इस पूरे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी आपकी बढ़ गई और प्योरेस्ट फॉर्म में जो सॉल्वेंट था उसकी विस्कोसिटी आपकी

यहाँ पर क्या लिखा है? कि आपके पास एक रिलेशनशिप है जिसमें आपके पास विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन और मोलिकुलर वेट के बीच में आपको रिलेशनशिप दिया जाता है और ये रिलेशनशिप आपको विस्कोमेट्री टेक्निक के थ्रू ही मिलता है ठीक है ये रिलेशनशिप आपका क्या है रिलेशनशिप है आपका यहाँ पर लिखा है विस्कोसिटी इज इक्वल टू के डॉट एम ए ओके और यहाँ पे के और आपका जो ये ए है ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं बचे हुआ पोर्शन आपका क्या बचा विस्कोसिटी इज इक्वल टू एम ओके या फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो ये इक्वेशन के थ्रू हम इतना तो बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो इनकी वैल्यू हमको पता होगी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है और यहाँ साइड है आपका विस्कोसिटी और यहाँ है आपका मॉलर मार

फिल किया है भाई ये ये पूरा यहाँ पर को फिल है ठीक है अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट भी दिख रहा होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी ये पॉइंट हम लोग लगा के रखते हैं कि ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है अब करते क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ देखो ना हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर जो हमारा पॉलीमर सोल्यूशन भरा हुआ है इसको ये लेफ्ट साइड से क्या करते हैं सक करते हैं इसको जैसे हम सक करेंगे तो सक करते करते हमने इसे पॉइंट ए तक पहुंचाना होता है यानी कि ऐसे मतलब हमने इसे इतना सक करना होता है कि सारा लिक्विड कहां पहुंच जाए पॉइंट ए पर पहुंच जाए और नीचे साइड कुछ ना ओके इतना हुआ उसके बाद हम क्या करते हैं जैसे ये पूरा लिक्विड पॉइंट ए तक पहुंच जाता है जैसे मैं ये दिखाऊं कि ये पूरा मैंने पॉइंट ए ऊपर कर दिया मतलब ऐसा सोचो कि पूरा लिक्विड हमारा पॉइंट ए तक पहुंच गया ठीक है अब हम क्या करेंगे ऊपर से सक करना छोड़ेंगे हमने ऊपर से सक करना छोड़ा तो जैसे सक करना छोड़ेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि ग्रेविटी की वजह से ये सारा लिक्विड क्या अगेन नीचे की ओर आने लगेगा ठीक है तो जैसे ये ग्रेविटी की वजह से देखो मैं इसे इरेज करती हूँ अब आपने जैसे सक करना छोड़ा तो ये सारा लिक्विड ग्रेविटी की वजह से कहाँ आने लगेगा यहाँ पे आने लगेगा इस एरिया पे नीचे को जाने लगेगा ठीक है तो हमने क्या करना है ये जो दो पॉइंट लगाए हुए हैं इन दोनों पॉइंट में कितना टाइम लगा यानी कि जब आपका लिक्विड यहां था और जब आपका लिक्विड आपने सककर करना छोड़ा और ग्रेविटी की वजह से नीचे आया और इस लेवल पे पहुंचा

ऑफ़ पॉलीमर हमने क्या करना होगा अपने सॉल्यूशन को फिस्कोमीटर के कैपिलरी ट्यूब से पास करना होगा अब यहाँ सपोज कीजिए हमारे पास जो हमने क्या पॉलीमर सॉल्यूशन को जब पास किया उसके हमने कोई टाइम की वैल्यू निकाली नहीं है हम जिस बोल रहे हैं कि सपोज हमारा टाइम टी है और जो हमने पॉलीमर का सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी है और उसको उस कैपिलरी ट्यूब से पास किया गया है जिसका रेडियस आर है और कैपिलरी ट्यूब की लेंथ जो है वो एल है तो उस केस में अगर हमको एप्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होती है तो ये इक्वेशन क्या है आपको याद करनी पड़ेगी ये बोल रहा है एप्सुल्यूट विस्कोसिटी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर पी आर की पावर फोर टी डिवाइडेड बाई एट वी आई ओके इसका मतलब क्या है ये बोल रहा है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मतलब क्या हुआ ये पी यानी कि प्रेशर आर यानी कि रेडियस टी यानी कि कितना टाइम लग रहा है और बी यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल रहती है तो ये इक्वेशन आपको ऑप्टेन हो जाती है किसके लिए एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए आपको ये वैल्यू ऑप्टेन हो जाती है ठीक है और अगर आपको विस्कोसिटी पता चल गई तो अब हाँ पे आप टाइम टाइम भी निकाल सकते हैं कि, कि कितने पीरियड में आपका जो पॉलिमस सोल्यूशन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पास हुआ ठीक है तो टाइम कैसे निकालेंगे बस इस वैल्यू को आपने आगे पुट कर देना है तो ये सारी चीजें एड करनी है ठीक है एग्जाम्पल तो आप क्या करेंगे टी को आगे ले जाएंगे तो ये वैल्यूज उल्टी हो जाएंगे तो टी इज टू क्या हो जाएगा एटवीआई डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट वन फोर पी आर की पावर फोर और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ईटा तो ये इक्वेशन आपको किसके करस्पॉन्डिंग मिलगी टाइम के करस्पॉन्डिंग मिलगी यानी कि अगर आपके पास ईटा की वैल्यू है तो आप यहाँ से टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इतनी चीज क्लियर है अब देखो ना अब हम लोग पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं अब हम बोल रहे हैं सपोज कीजिए आपके पास एक वैल्यू है ईटा और एक वैल्यू है ईटा नॉट ठीक है अब ये ईटा और ईटा नॉट क्या है ये बोल रहा है ईटा तो है आपकी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट ये आपकी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है सॉरी सॉल्वेंट नहीं नीचे लिखा है सॉल्यूशन ठीक है तो ये बोल रहा है जो आपका ईटा है ये है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन और ईटा नॉट क्या है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो अगर आपके पास इन दोनों की विस्कोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपका क्या होगा देखो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी का फॉर्मूला तो यही हो गया लेकिन अगर आप सॉल्वेंट की निकालेंगे तो नीचे आपने बेस में क्या करना होगा नॉट लगाना होगा इतनी चीज क्लियर आई अब ये अगर आपने निकाल दिया तो अब यहाँ से टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं तो आपके सॉल्यूशन के लिए अगर ईटा की वैल्यू यानी कि विस्कोसिटी की वैल्यू आपका सिंपल ईटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम को भी आप सिंपल टी से रिप्रेजेंट करेंगे अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को आपने ईटा नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया है तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम को आप टी

भी प्योर सॉल्वेंट है जिसकी विस्कोसिटी ईटा और ईटा नॉट है तो इनको क्या है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने ही तक कितना टाइम लगेगा उस टाइम को आपने लिखा है टी और टी नॉट और उसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो अगर आप सॉल्यूशन सौल, के लिए निकालेंगे तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है T is equal to 8 Vi, देखो as it is लिखा है 8 Vi divided by 3.14, 3.14 टीआर की पावर फोर और यहां पर आपका क्या हो जाएगा सिंपल ईटा क्योंकि आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर सॉल्वेंट की बात करोगे तो ये ही फॉर्मूला आप उतारोगे और सॉरी सॉल्वेंट की अगर आप यहाँ पर को बात करोगे तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ लिखेंगे बट टी के बदले टी नॉट हो जाएगा ईटा के बदले ईटा नॉट हमने ये क्यों किया ताकि हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को सॉल्वेंट uh, और सोल्यूशन को आपस में डिस्टिंग्विश कर सके इसलिए हमने ये चीज लिखी है तो अब हमने देख लिया कि सपोज हमारा कोई सोल्यूशन और कोई सॉल्वेंट है उनकी विस्कोसिटी ईटा और ईटा नॉट है तो उनको ए पॉइंट से बी पॉइंट में आने में कितना टाइम लगेगा उसको हमने टी और टी नोट के थ्रू निकाल दिया ठीक है अब हम क्या बोल रहे हैं अब हम ये बोल रहे हैं सुनिएगा लास्ट लास्ट है अब ये बोल रहे सपोज कीजिए कि हमारे जो ये दोनों चीजें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इनको हम सेम ट्यूब से पास कर रहे हैं तो अब हम लोग वैल्यू क्या निकालेंगे तो हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम इन दो वैल्यू को आपस में डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड करेंगे तो होगा क्या देखो हम क्या कर सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को कट करके क्या निकलेगी हमारी वैल्यू टी डिवाइडेड बाई टी नॉट इज इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाई ईटा नॉट तो ये हमारी एक वैल्यू निकल गई और ये जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिली हुई है इसे आप बोलते हैं रिले रिलेटिव विस्कोसिटी ठीक है इसे आप बोलते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। अब आपने देखो आपको विस्कोसिटी कौन सी निकालनी है आपको विस्कोसिटी निकालनी है इंट्रेंसिक विस्कोसिटी

रिलेटिव विस्कोसिटी यानी कि आपकी विस्कोसिटी आपने स्टार्ट कर दी ये आपको जो इक्वेशन मिली है

इसका फॉर्मूला क्या होता है formula जो होता है इसको आप नॉर्मली क्या है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं किसके इक्वल होती? होती है, है यानी कि ईटा एस अगर आप इसे कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं किससे डिवाइड कर देते हैं कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलती है इंट्रेंसिक विस्कोसिटी बट यहाँ पे जो आपका कंसेंट्रेशन है आप इसे लिमिट जीरो पे लेते हैं लिमिट जीरो पे लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आप यहाँ पर को कंसेंट्रेशन जो है वो मिनिमम ले रहे हैं यानी कि जब आपका कंसेंट्रेशन जो है वो मिनिमम होता है जीरो के कगार पर होता है बहुत मिनिमम होता है जीरो के अप्रॉक्स होता है तो उस केस में जब आप अपनी स्पेसिफिक विस्कोसिटी को कंसेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो जो आपको विस्कोसिटी मिलेगी उसे आप बोलते हैं विस्कोसिटी ठीक है तो अब ये चीज आपको थोड़ी सी याद करनी होगी ध्यान लगा के कीजिएगा तो आपको आसानी से ये फॉर्मुले याद हो जाएंगे क्योंकि सिंपल सिंपल है इतनी चीज क्लियर है अब देखो ना इसके करस्पॉन्डिंग हम एक कर्व भी बना सकते हैं एक प्लॉट भी बना सकते हैं जो कि आपको क्या बोल रहा है सुनिएगा ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ

चेंज होता है वो एक रैपिड चेंज होता है ओके okay? लेकिन ये क्या बोल रहा है बट द रिड्यूस विस्कोसिटी जो आपकी होती है चेंज ग्रेजुअली विद द विद्रेशन लेकिन जो आपकी रिड्यूस विस्कोसिटी होती है अगर आप इसे concentration के साथ देखेंगे तो आपकी रिड्यूस विस्कोसिटी भी concentration के साथ चेंज 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 होती 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 है but gradually change होती है है बट ग्रेजुअली धीरे धीरे होती है. कौन ये जो आपकी रिड्यूस विस्कोसिटी है ये ओके okay? और जिसकी वजह से क्या है आपको इस रिड्यूस विस्कोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिलता है और इस स्ट्रेट लाइन कर्व से आपको क्या है इंट्रेंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू पता चलती है कैसे देखिएगा ये कर्व हमने बनाया हुआ है जिसके एक साइड हमने रिड्यूस विस्कोसिटी लिया, यानी कि डिवाइडेड बाय बे, सॉरी बेस में आर और दूसरे साइड हमने कंसेंट्रेशन लिया है तो आपको पता है जितना ज्यादा आपका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका रिड्यूस विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी बट ये जो वैल्यू बढ़ रही है वो एक टाइप की ग्रेजुअल इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन कव मिल रहा है देखो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कव आपको देखने को मिल रहा है ये कंसंट्रेशन की पॉइंट है जितना ज्यादा आपका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा आपका रिड्यूस विस्कोसिटी रही है ग्रेजुअली ओके लेकिन आप देखोगे अगर आप इस पॉइंट में यानी कि डॉटेड लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस डॉटेड लाइन में आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी मिनिमम यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन मिनिमम है तो जब आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है इस मिनिमम कंसंट्रेशन पे आपको जो विस्कोसिटी मिलती है वो आपकी रिड्यूस विस्कोसिटी ये आपकी रिड्यूस यहाँ से ऊपर को रिड्यूस विस्कोसिटी है लेकिन यहाँ पे जो विस्कोसिटी है ये आपकी कैसे विस्कोसिटी होती है इंट्रेंसिक विस्कोसिटी होती है क्योंकि हमने बोला इंट्रेंसिक विस्कोसिटी कब होती है जब आपका जो कंसेंट्रेशन होता है वो मिनिमम होता है जीरो के लेवल पर होता है तो ये वाले पोर्शन पे यहाँ पे जो ये है यहाँ पर को जो ये विस्कोसिटी है इसे आप क्योंकि यहाँ, है, है, यहाँ, यहाँ पर आपका था था कंसेंट्रेशन कम है, तो यह लो रीजन पे जो आपको विस्कोसिटी मिलती है वो आपकी इंट्रेंस विस्कोसिटी होती है तो इंट्रेंसिक विस्कोसिटी को आप बाई ग्राफ यहाँ पर बाई कर्व ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये चीज भी आपने यहाँ पर एड करना है अब देखो अब आगे क्या बचा है ठीक है अभी बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ए मोलिकुलर वेट बाय विस्कोसिटी अब हमने मोलिकुलर वेट का मेजरमेंट करना है बाय विस्कोसिटी मेथड की ठीक है अब कैसे करेंगे देखो थोड़ा सा है सुनिएगा उसके बाद सीधे हम प्रोसीजर पे आ गए देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिकुलर वेट ऑफ अ पॉलिमर बाई ये विस्कोमेट्री मेजरमेंट मेथर्ड इज अस्ट कन्वीनियंट एंड लीज कॉम्प्लेक्स मेथड ठीक है तो ये बोल रहा है अगर आपने किसी भी पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस विस्कोमेट्री मेथड या फिर टेक्निक तो ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है उसके साथ साथ ये लीस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड है ठीक है अब यहाँ पर को आप विस्कोसिटी को मतलब किसी भी पॉलीमर का मोलिकुलर वेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पर लिखा है हेर वी मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सोल्यूशन बाय विस्कोमीटर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं विस्कोमीटर की हेल्प से जो आपका पॉलीमर सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी को मेजर करते हैं पर्टिकुलरली इंफ्रेंसिक विस्कोसिटी को मेजर करता है और अगर हमको इन्फ्रेंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू को मिल गया तो हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके एम की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं ये चीज हमने पढ़ ली अब ये बोल रहे हैं जनरली हमारे पास दो टाइप की विस्कोमीटर होते हैं एक होता है ऑक्फर्ड एक होता है आपका यूट्यूब विस्कोमीटर और यहाँ पर को क्या बोल रहा है इट इज इट इज वर्किंग बाय द मेजरिंग द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द लिक्विड टू पास बिटवीन द टू मार्कर तो हमने क्या

धीरे-धीरे आप जब सब करना छोड़ेंगे तो ये लिक्विड नीचे की ओर जाएगा अब इस लिक्विड का पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने तक कितना टाइम पीरियड रहा उसको आपने मेजर करना है ठीक है तो मेजर करने के बाद आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिली ये बोल रहा है ईटा वन डिवाइडेड बाईटा टू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वन यानी कि रो वन डिवाइडेड बाई रो टू डॉट टी वन डिवाइडेड बाई टी टू इसका मतलब क्या है देखो ये बोल रहा है अगर आपने विस्कोसिटी ऑफ आप, देखो ये आप यहाँ पर क्यों क्या आप दो लिक्विड लेते हैं ठीक है एक लिक्विड नहीं लेते दो लिक्विड लेते हैं एक तो आपका अननोन होता है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है दूसरा आपका रेफरेंस होता है जिसकी वैल्यू आपको नोन होती है ठीक है सो सपोज कीजिए लिक्विड टू की वैल्यू आपको पता है लिक्विड टू की विस्कोसिटी आपको पता है लिक्विड टू की डेंसिटी आपको पता है और लिक्विड टू का आपको टाइम यहाँ आपसे आप मेजर आप करेंगे देखो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ सपोज कीजिए लिक्विड का आपको ईटा टू की वैल्यू भी पता है रो टू की वैल्यू इनकी डेंसिटी भी पता है टाइम आपको पता नहीं है तो टाइम आप कैसे करेंगे इसमें आप लिक्विड भरेंगे लिक्विड को पहले सक करेंगे पॉइंट ए तक उसके बाद छोड़ेंगे जितना टाइम उसको लगेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट में आने तक उतना आप यहाँ पर को टी रखेंगे जैसे आप टी रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर को किसकी वैल्यू पता चल जाएगी की वैल्यू आपको यहाँ पर पता चल जाएगी क्योंकि डेंसिटी आपको पहले से होगी और टेम्परेचर की वैल्यू ईटा वन की वैल्यू आप क्या करेंगे टाइम कैसे निकालेंगे अगेन उसे फिल करेंगे यहाँ पर फिल करने के बाद उसे सक करेंगे इस पॉइंट तक जैसे सक करेंगे यहाँ तक ए पॉइंट तक उसके बाद छोड़ेंगे तो वो जैसे बी पॉइंट पर पहुंचेगा कितना टाइम पीरियड लगा उसको आप मेजर करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको -2 की वैल्यू भी निकल जाएगी और जैसे आप इन दोनों को ईटा वन और ईटा टू की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसे डिवाइड करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर आपको ईटा की वैल्यू पता चलगी तो आप इस ईटा की वैल्यू को निकाल के किसकी वैल्यू निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे. निकालेंगे बस आपने इतना ही करना ठीक है अभी मेरे को बोलने में थोड़ा सा मे भी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा बार बार अलग अलग टाइप की विस्कोसिटी की हम बात कर रहे हैं बट बहुत आसान है ध्यान से सुनेगा मैं आपको नोट शेयर करती हूँ आप वहां से जाके एक बार जो रिविजन कीजिएगा काफी आसान कॉन्सेप्ट है ठीक है तो होप आगे होगा क्लियर अब अब देखो लास्ट में हम लोग क्या प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग ये विस्कोमेट्री करा रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है तो पहले चीज ये बोल रहा है द विस्कोसिटी ऑफ ए टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो आपकी विस्कोसिटी है ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है इस वजह से हमने जो ये सादे मेजरमेंट करना है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे करना है यानी कि टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करना है क्योंकि देखो टेम्परेचर बदलेगा तो विस्कोसिटी की वैल्यू बदलेगी और विस्कोसिटी सिटी की अगर वैल्यू बदल जाएगी तो हमारे को यहाँ पर को क्या मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू में गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगी इस वजह से क्या हमको यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना पड़ेगा ठीक है अगला क्या बोल रहा है ये बोल रहा है विस्कोमीटर शुड बी होल्ड इन ए वर्टिकल और द स्ट्रेट डायरेक्शन ऑल द टाइम अदरवाइज प्रेशर हेड टू अ चेंज इन इन मेजरमेंट ठीक है तो ये बोल रहे ना हमारा जो ये विस्कोमीटर है इसको हमने क्या है वर्टिकली पकड़ना है और स्ट्रेट डायरेक्शन में ही पकड़ना है मतलब इसको ऐसे खड़ा ही पकड़ना है ठीक है जब आप मेजरमेंट करेंगे तो इसे आप स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन पे ही रखना क्योंकि अगर आप इसे टेढ़ा कर देंगे तो देखो हमने क्या टाइम मेजर करना है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है अगर आप इसे थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह कर देंगे तो टाइम यहाँ पर को क्या हो जाएगा अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्शन अफेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स का भी चेंज आपको देखने को मिलेगा प्रेशर का चेंज देखने को मिलेगा जिस वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो आपका टाइम लगना चाहिए लिक्विड का ट्रांसफर होने में वो आपका चेंज हो जाएगा जिस वजह से टाइम गलत हो जाएगा तो पूरी हमको वैल्यू गलत होने को मिलेगी जिस वजह से हमको ये चीज भी ध्यान रखना है कि विस्कोमीटर को आपने क्या है वर्टिकली पकड़ना है या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में पकड़ना है ऑल द टाइम ठीक है वन लाख या बोल रहा है ये बोल रहा है ऑल द सोल्यूशन शुड बी ए फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी आपका जो सॉल्यूशन है पॉलिमा सोल्यूशन उसमें भी कोई इंप्योरिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए वो भी आपकी प्योरस्ट फॉर्म में होना चाहिए और लास्ट आपको क्या बोल रहा है और लास्ट आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द फ्लो टाइम ऑफ द सॉल्यूशन और द सॉल्वेंट मस्ट बी सफिशिएंटली लॉन्ग और जो आपका फ्लो टाइम आप देख रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का आप दोनों को फ्लो कर रहे हैं ना यहाँ से तो दोनों को जब फ्लो करेंगे तो इनका फ्लो टाइम जो होगा वो सफिशियंटली लॉन्ग होना चाहिए उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए तो इनके बीच में एटलीस्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए थ्री से फाइव सेकंड का इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए फ्लो टाइम का यानी कि कितने टाइम पे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं इसको बोला जाता है फ्लो टाइम तो आपके दोनों कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट और सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन में एटलीस्ट थ्री से फाइव सेकंड का आपको डिफरेंस देखने को मिलना ही मिलना चाहिए इतना आपने इस अकॉर्डिंग मेजर करना है कि इनके बीच में तीन से पांच सेकंड